नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आप देख रहे हैं डाइटिशियन लक्ष्मी, डॉक्टर विनीत, और मैं हूं आपकी अपनी डाइटिशियन एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी लक्ष्मी यादव। हमारे इस चैनल पर हम बात करते हैं फूड्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में, डाइट प्लान के बारे में। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम बात करने जा रहे हैं लीवर के बारे में। जी हाँ, लीवर, ये देखिए, आपने देखा है कि लीवर दिखता कैसा है, लेकिन क्या आपको पता है कि लीवर के क्या क्या फंक्शन है और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है? तो चलिए आज हम यही बात करेंगे कि लीवर के क्या फंक्शन है और इंडियन मार्केट में वो कौन सी बेस्ट लीवर टॉनिक्स हैं जो आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो काम होता है लीवर का, वो होता है इम्यूनिटी देना। जी हाँ, जितने भी ड्रग और विषैले पदार्थ होते हैं उनका फिल्ट्रेशन हमारी बॉडी के बाहर सबसे पहले लीवर के माध्यम से ही किया जाता है। लीवर हमें बाकी जो भी चीज़ें जो टॉक्सिक होती हैं हमारे शरीर के लिए, उनसे बचाता है, उन सब का फिल्ट्रेशन करके उन्हें बाहर निकाल देता है। तो लीवर का जो फंक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके लीवर में ही कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम आ जाए तो सोचिए आपको कितनी तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं वो सारे कॉजेज जो आपके लीवर को तकलीफ दे सकते हैं। लीवर को कुछ वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है। जी हाँ, आपने सुना होगा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये वो वायरल इन्फेक्शन है जो लीवर को हो सकते हैं। इसके अलावा फैटी लीवर या फिर लीवर सिरोसिस की बीमारी भी लीवर को हो सकती है। विल्सन डिसीज एंड हीमोसिरोसिस डिसीज, ये दोनों बीमारियां भी लीवर को हो सकती हैं। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो टॉनिक्स हम बात करने जा रहे हैं जो आपके लीवर को हेल्दी रख सकते हैं, ये टॉनिक्स डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं लेने हैं, क्योंकि इन सब के जो कंपोजिशन है उसमें शुगर होता है। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो प्लीज़ इन लीवर टॉनिक्स को ना लें। सबसे पहले आता है डाबर का हिपानो। जी हाँ, ये दो डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट एज वेल एज सिरप, ये दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जी हाँ, इसमें रहता है आमलकी, गुड़ची, नीम और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो आप देख सकते हैं। और ये जो सिरप है इसका डोज होता है 5 to 10 ml। जी हाँ, एडल्ट डोज है, दिन में दो बार लेना है आपको आपके खाना खाने के बाद। आप अगर टैबलेट फॉर्म में लेने जा रहे हैं तो आपको दिन में दो बार टैबलेट लेनी है। ये जो सिरप है ये आपको टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं उनसे आपको बचाता है, जैसे कि हैवी मेटल्स हो गए। इसके अलावा ये लीवर डैमेज से भी आपको बचाता है। और अगर आपको इनडाइजेशन है, भूख नहीं लग रही है, तो आप ये सिरप ले सकते हैं। फैटी लीवर के केसेस में भी ये सिरप और टैबलेट लिए जा सकते हैं। इसके बाद है हिमालया का ले 52। सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म्स में ये अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, बहुत फेमस ब्रांड है, हर कोई यूज़ करता है। यहाँ भी डोज सेम है, जो एडल्ट डोज है वो 5 ml to 10 ml सिरप के केस में है जो आप ले सकते हैं। और ये जो सिरप या टैबलेट है इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रहता है सानी, विरन जैसीपा, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जो सिरप है ये आपके लीवर को प्रोटेक्ट करके रखता है अगेंस्ट हेपेटोटॉक्सिन्स। जी हाँ, और इसके अलावा जो अल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर डैमेज है वहाँ पर भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है, वहाँ पर भी ये बहुत हेल्पफुल होता है इन द केस ऑफ अल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर डिसीजेज। जी हाँ, मतलब ऐसी बीमारियाँ या ऐसा फैटी लीवर जो अल्कोहल की वजह से हुआ हो। और इसके अलावा ये भी आपकी भूख को बढ़ाता है, वेट गेन जो है उसे भी ये प्रोमोट करता है। नेक्स्ट है डॉक्टर मॉर्फिन का लिव हेल्दी सिरप। जी हाँ, ये भी जो सिरप है इसका भी डोज सेम है कि आपको 5 ml to 10 ml लेना है आफ्टर योर मील, आपके खाना खाने के बाद लेना है, दिन में दो बार लेना है। एंड डेफिनेटली जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये एडल्ट डोज है, 18 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए ये डोज है। चलिए अब देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। जी हाँ, इसमें रहता है भृंगराज, आंवला, गुड़ुची, पीपली, चिरायता, कालमेघ, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। ये भी आपके लीवर को जो टॉक्सिन होते हैं उनसे बचाता है, आपके लीवर को फैटी लीवर या फिर सिरोसिस होने से रोकता है और आपके लीवर की फंक्शन या फिर एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। इसके बाद आता है हिमालया का लीवर केयर टैबलेट। जी हाँ, और इसका जो कंपोजिशन है वो है भृंगराज, कुटुकी,
अर्जुना। इसके अलावा भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। देख लेते हैं डोजेस, 1 से 2 टैबलेट लेनी है अगर आप 18 वर्ष से ऊपर या फिर 18 ईयर्स के अबव हैं तो। दूसरी बात यह है कि ये जो टैबलेट है ये भी आपको लीवर सिरोसिस से आपके लीवर को बचाता है। इसके अलावा ये लीवर को फैटी लीवर की जो डिसीजेज होती हैं उनसे भी बचाता है। और डेफिनेटली आपको इसको लेने के बाद भूख बढ़ती है और लीवर की जो फंक्शनिंग है उसे ये अच्छा रखता है। इसके बाद आता है झंडू का कालमेघ। जी हाँ, ये जो कालमेघ टैबलेट है इसमें होता है कालमेघ और ये भी आपको 1 से 2 टैबलेट लेनी है आपके खाना खाने के बाद। ये भी एडल्ट डोज है यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ये है। और ये जो टैबलेट है ये भी लीवर टॉक्सिसिटी को कम करता है, इसके साथ लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर होने के चांसेस को रोकता है, कम करता है। नेक्स्ट है बैद्यनाथ का लीवर एक्स जूस। जी हाँ, ये भी आपको मार्केट में ईजली अवेलेबल है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रहता है एलोवेरा, भूमि आंवला, भृंगराज, कुटुकी, अर्जुना, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ और हर्ब्स इसमें मिलते हैं। जो इसका डोज है वो है 10 to 20 ml, ट्वाइस अ डे लेना है आफ्टर मील। जी हाँ, ये इसका एडल्ट डोज है। ये जो सिरप है ये आपको अच्छा डाइजेशन देता है। जी हाँ, जो भी आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उससे आपको जो है छुटकारा दिलाता है, उससे आपको रिलीफ दिलाता है। इसके अलावा ये लीवर की फंक्शनिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। और सबसे लास्ट में है पतंजलि का लिव अमृत टैबलेट, जिसमें होता है आंवला, भृंगराज, गिलोय, कालमेघ, अर्जुना, हल्दी, कुटुकी। जी हाँ, ये आपको 1 से 2 टैबलेट आपके खाना खाने के बाद लेनी है और इसका ये एडल्ट डोज है। जी हाँ, मतलब कि 18 वर्ष से जो लोग ज़्यादा हैं या जिनकी उम्र 18 वर्ष की है वो इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको लीवर से संबंधित सभी बीमारियों से बचाता है, फैटी लीवर से बचाता है, लीवर सिरोसिस से बचाता है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, इनडाइजेशन की जो भी आपकी समस्या है उसको कम करता है, एपेटाइट यानी कि भूख को बढ़ाता है, आपको वज़न बढ़ाने के लिए भी ये जो टैबलेट है वो मदद करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आपको लीवर की सही में कोई सीरियस बीमारी है कि आपको लूज मोशन हो रहे हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल यानी कि आपके पेट में स्वेलिंग है, तो आपके डॉक्टर से जाकर के ज़रूर संपर्क करें, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लें। दूसरी बात, ये सारी जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जी हाँ, आप चाहें तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपना ध्यान रखिए, कोरोना अभी गया नहीं है तो मास्क पहनना मत छोड़िए। टेक केयर एवरीवन, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।